जब देश पूरा देश सभी राजनीतिक दलों के भीतर भी एक भी राजनीतिक दल अपवाद नहीं है, धारा 370 अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 को हटाने के लिए 35A को हटाने के लिए कोई प्रखर रूप से तो कोई मूक रूप से समर्थन देता रहा है, लेकिन राजनीति के गलियारों में चुनाव के तराजू से तोलने वाले कुछ लोग 370 के पक्ष में कुछ न कुछ कहते रहते हैं। जो लोग 370 के पक्ष में वकालत करते हैं उनको देश पूछ रहा है, अगर ये अनुच्छेद 370, ये आर्टिकल 370, ये 35A इतना महत्वपूर्ण था, इतना अनिवार्य था, उसी से भाग्य बदलने वाला था, तो 70 साल तक इतना भारी बहुमत होने के बावजूद भी आप लोगों ने उसको परमानेंट क्यों नहीं किया, टेम्पररी क्यों बनाए रखा? अगर इतना कन्विक्शन था तो आगे आते, परमानेंट कर देते। लेकिन इसका मतलब यह है आप भी जानते थे ये जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन सुधार करने की आप में हिम्मत नहीं थी, इरादा नहीं था, राजनीतिक भविष्य पर सवाल या निशान लगते थे। मेरे लिए देश का भविष्य ही सब कुछ है, राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं होता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों ने देश की एकता के लिए, राज्य के एकीकरण के लिए उस कठिन समय में भी महत्वपूर्ण फैसले लिए, हिम्मत के साथ फैसले लिए, देश के एकीकरण का सफल प्रयास किया। लेकिन आर्टिकल 370 के कारण, 35A के कारण कुछ रुकावटें भी आई। आज लाल किले से जब मैं देश को संबोधित कर रहा हूं तब मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि आज हर हिंदुस्तानी कह सकता है वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। और हम सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत इसी सपने को चरितार्थ करने में लगे हुए हैं, तब ये साफ साफ बनता है कि हम ऐसी व्यवस्थाओं को विकसित करें जो देश की एकता को बल दे, देश को जोड़ने के लिए सीमेंटिंग फोर्स के रूप में उभर करके आए। और ये प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए, वो एक समय के लिए नहीं होती है, अविरत होनी चाहिए। जीएसटी के माध्यम से हमने वन नेशन वन टैक्स उस सपने को साकार किया। उसी प्रकार से पिछले दिनों ऊर्जा के क्षेत्र में वन नेशन वन ग्रिड इस काम को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया। उसी प्रकार से वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड इस व्यवस्था को भी हमने विकसित किया। और आज देश में व्यापक रूप से चर्चा चल रही है एक देश एक साथ चुनाव, ये चर्चा होनी चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होनी चाहिए, और कभी न कभी एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा।